पंडुईनों में हम सेल डेथ के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। यह सेल की डेथ नेचुरल या अननेचुरल तरीके से भी हो सकती है या फिर इसका डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। यह सेल डेथ तीन प्रकार से होती है, ऑटोफैगी, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो हम आज पहले की चर्चा करेंगे ऑटोफैगी की। यह क्या है? यह प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। रिजल्ट क्या होता है? सेल की डेथ हो जाती है। दूसरा है यह जो डिस्ट्रॉयड ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें जब रिसाइकिलिंग होती है नए सेल बनाने के लिए तो इससे भी ये इन्वॉल्व होती है। तीसरा यह है कि इसको हम नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम्ड सेल डेथ के तरह से भी मानते हैं।